हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलराउंडर्स में। तो चलिए आज हम जानते हैं कैसे हम अपने रेलवे टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है IRCTC, आप किसी भी ब्राउज़र में इसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है अपने क्रेडेंशियल से। अपना ID और पासवर्ड डालें। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपने माई अकाउंट सेक्शन में आना है। माई अकाउंट में जा करके आपको यहाँ पर माई ट्रांजैक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। इस पर जाने के बाद बुक टिकट हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है आपको। इसमें आपका टोटल टिकट शो करेगा जिसमें जो जो आप बुक किए। आपको उस टिकट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको कैंसिल करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे पर आने के बाद आपको कैंसिल टिकट पर क्लिक कर देना है। कैंसिल टिकट पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। आपको इधर साइड में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैंसिल टिकट पर क्लिक कर देना है। कैंसिल करने के बाद आपको फिर से एक बार वेरीफाई करना है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपका टिकट कैंसिल हो चुका है। आप इसका कैंसिलेशन रिसिप्ट प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट को आप अपने सिस्टम या फ़ोन में सेव कर लीजिए। तो इस प्रकार आप अपने रेलवे टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।